हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। पीरियड से पहले कुछ दिन और पीरियड्स के दौरान सीवियर पेन होना, बहुत ज्यादा फ्लो और ब्लीडिंग होना, नौजिया या फिर वॉमिटिंग, सिर दर्द होना, नींद ना आना, बहुत ज्यादा बेचैनी होना और मूड स्विंग्स होना, ये सभी पीएमएस के लक्षण होते हैं। और इनके लिए एक बहुत ही ज्यादा कारगर और इफेक्टिव 5 पॉइंट एजेंडा, एक प्लान आपके लिए आज लेकर आई हूँ, जिसमें कि एक शानदार होम्योपैथिक मेडिसिन होगी जो आपकी इन सारी कंप्लेंट्स को दूर करने में बहुत मदद करेगी। साथ ही साथ बहुत ही यूजफुल होम टिप्स एंड रेमेडीज आपके लिए लेकर आई हूँ। इस 5 पॉइंट प्लान को यदि आप फॉलो करते हैं तो पीएमएस और पीरियड संबंधित समस्याओं से आप छुट्टी पा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है, इसे पूरा जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल बटन प्रेस करना मत भूलिए, आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तो बिना कोई देर किए हुए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यंग गर्ल्स में, खासकर मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा देखती हूँ कि पीरियड्स में जब भी पेन या बहुत ज्यादा पेन की समस्या होती है तो वो पेन किलर्स खाने को एक हैबिट बना लेती हैं। दिस इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर एवरीवन, क्योंकि पेन किलर सिर्फ कुछ समय के लिए आपकी नर्व्स को सुन्न जरूर कर देते हैं, नम जरूर कर देते हैं, बट दिस विल बी वेरी डेंजरस फॉर फ्यूचर। इस सबके लिए एक बहुत ही शानदार होम्योपैथिक मेडिसिन आज आपके लिए लेकर आई हूँ। द नेम ऑफ द मेडिसिन इज डिसमिन। SBL कंपनी का मैन्युफैक्चर डिसमिन टेबलेट्स आपके PMS, पीरियड से संबंधित पेन, डिसमेनोरिया जिसे कहा जाता है, इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने में बहुत ही शानदार रोल प्ले करता है। यदि इसके कॉम्पोजिशन की मैं आपसे बात करूं तो इसमें 5 होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, कॉलोफाइलम, सिमिसिफ्यूगा, मैग्नीशिया फोस्फोरिका, वाइबर्नम ऑप्युलस एंड कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। ये मेडिसिन पांचों, अभी मैं डिटेल्स आपको बताती हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से आपके यूट्रस, आपकी ओवरीज पर एक्ट करती हैं और पेन, जो ओवर पेन जो होता है पीरियड्स के टाइम पे, उससे बिल्कुल आपको निजात दिला सकती हैं। यदि इसके यूजेस की बात करें या इंडिकेशंस की बात करें, एब्डोमिनल एंड पेल्विक क्रैम्प्स इन विमेन एसोसिएटेड विद नोजिया, वॉमिटिंग, लो बैकएक, पेन इन लेग्स एंड जर्नलाइज्ड वीकनेस, यही सारे सिम्टम्स तो हमें पीएमएस और पीरियड्स में देखने को मिलते हैं। ये मेडिसिन बहुत ही शानदार रोल प्ले करती है। दो दो टेबलेट्स आपको 4 बार कंज्यूम करना है। पीरियड्स की डेट आपकी यदि श्योर है तो उससे 4 दिन पहले ही आप इसको लेना शुरू कर दीजिए एंड थ्रू आउट द पीरियड्स ऑल्सो दो दो टेबलेट्स दिन में 4 बार कंज्यूम कीजिए। आपको कोई भी पेन किलर्स नहीं लेने पड़ेंगे, बहुत ही सेफ होम्योपैथिक मेडिसिन है। लेनी कहाँ से है, लिंक सबसे पहले ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आज ही ऑर्डर कर लीजिए जिससे कि पीएमएस और पीरियड्स की समस्याओं से आप छुट्टी पा सके। अब आते हैं इसके कॉम्पोजिशन के ऊपर। इसमें कॉलोफाइलम मेडिसिन डाली गई है जो कि डिसमेनोरिया की फर्स्ट ग्रेड मेडिसिन मानी जाती है। जब पेन्स यूट्रस और ओवरी से पूरे और बॉडी पार्ट्स में भी फ्लाई करता हुआ लगता है, ऐसा लगे कि पेन लोअर एब्डोमिनल एरिया से फ्रंट में, बैक में, ऊपर नीचे सब जगह फ्लाई कर रहा है, उसमें कॉलोफाइलम बहुत अच्छा काम करती है। हैवी ब्लीडिंग के केसेस में भी कॉलोफाइलम का शानदार रोल है। दूसरे नंबर पर डाली गई है सिमिसिफ्यूगा, जिसका स्पेशल एक्शन ही यूट्रस और ओवरीज पर होता है और इसकी खासियत है मस्क्यूलर एंड क्रैम्पिंग पेन्स, ऐसा लगे कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा, एकदम कोई झटका लगा जैसे, जब ऐसे दर्द उठते हैं उसमें सिमिसिफ्यूगा बहुत शानदार काम करती है। इसके बाद में मैकफॉस, जो कि प्रख्यात है, मशहूर है, एक पेन रिलीवर मेडिसिन इन होम्योपैथी, वाइबर्नम ऑप्युलस क्रैम्प्स और कोली की पेन की एक बहुत ही शानदार मेडिसिन मानी जाती है। इसमें फॉल्स लेबर पेन जैसे सिम्टम्स भी कई बार होते हैं, विमेन आकर बताती हैं कि ऐसा लगता है जैसे लेबर पेन हो जबकि होता पीरियड चल रहा है, तो इन सिचुएशंस में भी वाइबर्नम बहुत अच्छा काम करती है। पेन यदि थाइस तक जाता है, बिल्कुल लोअर थाइस एंड बिलो द थाइस तक, ल्यूकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज हो यदि साथ में, और अगर प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग होती हो बहुत ज्यादा, उन सिचुएशंस में वाइबर्नम शानदार काम करती है। इसके बाद में कैक्टस की बात करें तो कैक्टस भी क्रैम्पिंग पेन में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। तो दोस्तों, इन पांचों मेडिसिन को बहुत सोच समझ के एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन में डालकर बनाकर एक शानदार मेडिसिन डिसमिन बनाई गई है, आज ही ऑर्डर कर लीजिए, लिंक पर क्लिक कीजिए, इसको रेगुलर बेसिस पर ले सकता है कोई भी एज ग्रुप की लड़की ले सकती है। दोस्तों, नंबर 1 पर तो दवाई की बात हो गई, अब इसके बाद में आते हैं घरेलू नुस्खे, होम रेमेडीज, हर्ब्स और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखने वाली बहुत सारी चीजें जो हमारी किचन में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। दोस्तों, पीएमएस से यदि आप सफर करते हैं, बहुत पेनफुल पीरियड्स आपको होते हैं,
तो पीरियड्स के 3 दिन पहले से ही एक प्लान को फॉलो कीजिए, जिसमें 4 चीजें मैं आपको खास बताने वाली हूँ। फर्स्ट नंबर पे उन 4 चीजों में से ये आता है कि रात को आपको कुछ किशमिश को भिगो के रख देना है और साथ में एक छोटा सा दाना केसर का, रात को इसको आधा कप पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह आप इसको कंज्यूम कर लीजिए, किशमिश भी खा लीजिए, केसर भी, और वो पानी भी पी लीजिए। ऐसा करने से आपको अपने पीएमएस के पेन में बहुत ही ज्यादा सुधार देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों बनानास, फ्रूट खाना है अगर पीरियड्स के उन दिनों में तो बनानास एक डेली जरूर कंज्यूम करना है, मिड मील की तरह करीब 11-11:30 बजे। बनानास क्यों खाने हैं, इसका एक लॉजिकल रीजन है जो हमें पता होना चाहिए। बनानास विटामिन B6 में और पोटेशियम में बहुत ज्यादा रिच होते हैं, और जब पोटेशियम की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तभी क्रैम्प्स उठते हैं, जिन्हें बैठे कहते हैं, मरोड़ कहते हैं, वो पोटेशियम की कमी से ही होते हैं। अब क्योंकि बनानास पोटेशियम में इतने ज्यादा रिच है तो वो कमी नहीं होने देंगे हमारे शरीर में, और इसलिए जब पीरियड्स होंगे तो आपको वो क्रैम्प्स वाली फीलिंग नहीं होगी। दोस्तों तीसरे नंबर पे अगर मैं डाइट प्लान की बात करूं जो आपको पीरियड्स के लिए जरूर लेना है पीएमएस से बचने के लिए, तो उन दिनों में आप लेग्यूम्स बहुत ज्यादा लीजिए, जैसे चना हो गया, राजमा हो गया, काली साबुत दाल हो गई, और स्प्राउट्स नाश्ते में डेली स्प्राउट्स की एक कटोरी कंज्यूम कीजिए। ये जो लेग्यूम्स है ये भी प्रॉपर्टीज रखते हैं कि आपके पेन को रिलीव करते हैं और क्रैम्प्स नहीं होने देते हैं, तो यदि आप डेली इसी का ब्रेकफास्ट करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि हम इस 5 पॉइंटर की बात करें तो इसमें आपको पीरियड्स के टाइम पर रोज 4-5 दिन एक ड्रिंक बनानी है, जिसमें कि आपको 1.5 ग्लास पानी लेना है, उसको आप स्टोव पे चला, गैस पे, स्टोव पे, आंच पे रख दीजिए बॉईल करने के लिए। इसमें आपको आधा चम्मच अजवाइन डालनी है, थोड़ा सा क्लव डालना है, थोड़ी सी जिंजर यानी कि अदरक डालनी है, आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए उसमें, और 2-4 पत्ते पुदीने यानी कि मिंट के डाल दीजिए। अब उसको इस तरीके से बॉईल कीजिए कि करीब करीब वो 1 ग्लास पानी रह जाए, उसको छान लीजिए और इस डिकॉक्शन को डेली कंज्यूम कीजिए। इसको आप दिन में 2-3 बार भी पीरियड्स के टाइम पर ले सकते हैं, 2 बार लेना ही सफिशियंट होगा, आपकी सारी पेन, क्रैम्प्स और बाकी सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों ये 5 चीजें करके देखिए और देखिए कैसे आपको पीरियड से संबंधित, पीएमएस से संबंधित सारी समस्याओं से छुट्टी मिलती है। यदि फायदा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इन सब चीजों से क्या क्या बेनिफिट हुआ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन समस्या है और विमेन यूजुअली इससे सफर करती है, तो ये इन्फॉर्मेशन सबके काम आएगी। अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलते हैं और बहुत सारी यूजफुल वीडियोस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।